दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14x26 की हाउस डिजाइन की, जैसा कि अभी मॉडल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरे साइज की बात करें, बहुत ही स्मॉल हाउस प्लान है, मात्र 14x26, जो कि एक रूम होता है उसी पर मैंने पूरा हाउस डिजाइन किया है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर यह मॉडल डिजाइन किया है। अगर आप भी चाहते हैं कोई स्पेसिफिक मॉडल बनवाना तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पॉसिबल होगा मैं आपका डिजाइन जरूर क्रिएट करूंगा। तो जी आप मॉडल देख पा रहे होंगे, इसका ग्राउंड फ्लोर भी आप देख पा रहे होंगे और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। फिलहाल सेकंड फ्लोर पर मैंने खासा कुछ डिजाइन नहीं किया है। अगर आप फ्रंट व्यू इसका देखेंगे साइड सामने से, तो आपको ये मॉडल ऐसा दिखेगा। अगर इसका टॉप व्यू आप देखना चाहते हैं तो ऊपर से आपको फिलहाल प्लेन सिंपल सा ही दिखने वाला है, और साइड से भी आपको आसपास सारे मकान होंगे और सिर्फ आगे आपका रोड होने वाला है। तो ये मॉडल डिजाइनिंग दिया है मैंने स्टार्टिंग में, तो ये आप पूरा डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार, मैं आपको पूरा एक एक करके दिखाऊंगा। उससे पहले अगर हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ वेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी लगातार अपडेटेड वीडियो आप देख सकें। यहां पर दोस्तों लगातार आपको अपडेटेड मॉडल मिलते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी आपका साइज हो वो आप देख लें और अपने हिसाब से मॉडल डिजाइन कर लें। तो चलो पूरा डिजाइन हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आ जाते हैं यहाँ पर, तो हमेशा की तरीके से मैं आपको सबसे पहले इसको करूंगा ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंसी जैसे मैं इसकी करता हूं तो देखिएगा आपको ये मॉडल टोटल ऐसा दिखने वाला है, पारदर्शी, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। टॉप से आपको ऐसा दिखेगा, फ्रंट से ट्रांसपेरेंट करने के बाद ऐसा दिखने वाला है, साइड से आपको ऐसा दिखेगा, सेम टू सेम मॉडल आपको पूरा दिख जाता है। तो ट्रांसपेरेंट में आपका फ्रंट व्यू देखिएगा कितना बेहतरीन दिखता है, और साइड से थोड़ा देखिएगा तो ऐसा दिखता है। तो ये ट्रांसपेरेंट व्यू है। चलो मैं इसके ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ रिमूव, और आपको ले चलता हूँ ओरिजिनल पोजीशन पर। तो जैसे आप ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं तो देखिएगा मॉडल का ये साइज है पूरा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा इसके ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो फ्रंट से ग्राउंड फ्लोर आपको ऐसा दिखेगा। सपोज दैट आप एक ही फ्लोर बनवाते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा। ये इसका मेन डोर है, ये विंडो है, और ये जो आप कॉलम से देख रहे हैं सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है दोस्तों, और खासा कुछ नहीं है। और ये ऊपर आपका जो लगा वेंटिलेशन के लिए जाली आपका लगा है, जिसमें आपकी हवा ऊपर से जाती रहे, विंडो से भी हवा जाएगी, डोर से भी जाएगी, ये डिपेंड करता है आप पे। जैसे मेन डोर से आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाती है स्टेयर्स, ये देख पा रहे होंगे स्टेयर्स थोड़ी एल साइज की है, और स्टेयर्स के नीचे ही लेटरिन और बाथरूम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जगह बहुत ही कम है। अगर हम स्टेयर्स की बात करें, 3 फीट चौड़ा स्टेयर्स ये गया है, और यहाँ पर ये पूरा डिटेल और भी आप देख सकते हैं। पीछे अगर हम बात करें तो ये आपका एक छोटा सा बेडरूम, और साइड में आपको किचन मिल जाती है। तो ये पूरा मॉडल आपका यह कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा और बड़ा बनाना, देखिएगा जगह कम है, अगर आप चाहते हैं रूम मेरा बड़ा सा बन जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप 2 फ्लोर बनवाइए। अगर आपके पास पहले से पैसे हैं तो आप 2 फ्लोर बनवा सकते हैं। आपका ये वाला किचन यहाँ एडजस्ट कर दिए और लेटरिन आप ऊपर बनवा लीजिए या एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है स्टार्टिंग में तो आपको दोनों चीजें ही यहीं नीचे एडजस्ट करनी पड़ेगी, किचन लेटरिन बाथरूम सभी कुछ, जैसा कि मैंने किया है। अगर आप इस बेडरूम में जाते हैं तो आपके लिए डोर मिल जाता है, किचन के लिए डोर मिल जाता है, और लेटरिन बाथरूम के लिए कंबाइंड जो कि मैंने क्रिएट किया ये आपको डोर मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडल हो गया ग्राउंड फ्लोर की बात। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर चलेंगे तो ये देखिएगा इसका फर्स्ट फ्लोर, फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा, ये आपका रेलिंग लगा है जो कि एल साइज का है, थोड़ा घुमावदार है, और ये आपका सेम टू सेम मॉडल मिल जाता है। अब जैसे आप ऊपर आ जाते हैं तो यहां पर देखिएगा एक ये जो किचन वाला पोर्शन था वो मैंने हटा दिया है, ये आपका एक बड़ा सा बेडरूम मिल जाएगा, और ये पूरा आपका एरिया ओपन ही रहने वाला है। यहाँ पर आप सोफा या कुछ भी डाल सकते हैं, बाहर से अगर आप बालकनी में आना चाहते हैं तो इस गेट का इस्तेमाल करिएगा, ये विंडो आपका वेंटिलेशन का काम करेगा है बेहतरीन सा। अब इसका लास्ट फ्लोर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हो लास्ट फ्लोर, लास्ट फ्लोर पर फिलहाल मैंने कुछ नहीं डिजाइन किया, सिर्फ आपका जो स्टेयर्स उसको ढक दिया है बारिश न, और आप यहाँ आकर पूरा देखिएगा आपको ये ग्राउंड अपना छत मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडल था 14x26 का, जो मैंने डिस्कस किया, चौड़ाई 26 थी और लंबाई की बात, चौड़ाई 14 थी, लंबाई 26 फीट थी। ये मॉडल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान से अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक मॉडल डिजाइन करवाना तो मुझे कमेंट करेगा, पॉसिबल होगा मैं डिजाइन जरूर करूंगा, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन मैं किसी एक का डिजाइन जरूर करता हूं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप मुझे कमेंट करिएगा, जो भी मॉडल चाहें मैं आपका जैसे समय मिलेगा किसी एक का सिलेक्ट करके पूरा मॉडल डिजाइन कर दूंगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।